Hi, good afternoon, everyone. I am Dr. Sandeep Banerjee, consultant, laparoscopic, gastro and colorectal surgeon. And I've been practicing in Apollo Spectra Nehru Enclave for past 5 years. आज मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम। नाउ गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम, इतना बड़ा नाम को शॉर्ट फॉर्म में हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। और ये एक ऐसा चीज है जो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली विद चेंजिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल्स एंड ऑल। सो वी हैव एन इंसिडेंस ऑफ 7.6 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन में 8 से 30% लोगों को ये रेगुलर लेवल पे सफरिंग्स हैं, और जिसे हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स सिंड्रोम। ये क्या होता है, पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज एन एसिड रिफ्लक्स सिंड्रोम। नाउ मेनी टाइम्स पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दे डोंट थिंक दैट इट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी सीन और व्हिच हैज टू बी शोन टू अ डॉक्टर। लोगों को पता नहीं रहता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको डॉक्टरों को दिखाना जरूरी है और उसको करेक्शन करना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली एक बार आपको ये पता चल जाए कि ये क्या, इनके क्या सिम्टम्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो इनको जानने के बाद आपको ये जान के भी अच्छे खुशी होगी कि इनकी पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एज वेल एज सर्जरी। नाउ फर्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज एन एसिड रिफ्लक्स सिंड्रोम। हमारे शरीर में जिस मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो खाना है, जो बोलस ऑफ द फूड है, दैट ट्रैवल्स एंटायर इसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, और वो फूड पाइप से जाने के बाद वो स्टमक में जाता है। नाउ स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, और ये एसिड फूड के साथ मिक्स करता है। और नॉर्मली हमारे माउथ में ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सलाइवरी एंजाइम्स फूड बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वो हो जाता है, जिससे कि ये अच्छे से मोबाइल हो और फूड पहुंचे स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन से फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके एक जूस बनाता है, जिसे एसिड काइम कहते हैं। नाउ ये प्रोसेस जो है, ये स्पेशली जब हम लोग बहुत ज्यादा मील्स लेते हैं, स्पेशली लंच या डिनर, ये हैवी बोलस के समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, और इसकी वजह से उस समय हमारा पेट जो है काफी भरा हुआ रहता है, एंड वी डोंट फील लाइक ईटिंग। नाउ इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ थिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फूड पार्टिकल्स एंड ऑल, सो स्टमक और इसोफेगस फूड पाइप के जो ऊपर वाली जो एरिया है, वहां एक नैरोइंग हो जाती है, स्टाइटनिंग हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं कि टाइट हाइटर्स एंड ऑल। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ताकि जब तक ये फूड अच्छे से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स ना हो, तब तक ऐसे पदार्थ, स्पेशली जो एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ऊपर हमारे फूड पाइप तक न आए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है एसिड रिफ्लक्स सिंड्रोम, उनमें ये स्फिंक्टर एक्शन या टाइटनेस ऑफ द मसल जो है, वो कहीं ना कहीं फेल्स हो जाती है, काम ठीक से नहीं कर पाती है, और इसीलिए इन लोगों में लूज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स, और ये पूरी एसिड गले तक आता है। नाउ क्या सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, मेजर मील्स के बाद, मेजर मील्स के 2-3 घंटे के बाद आपको एसिड गले तक आना, खट्टे डकार और जलन होना, आपके गले के पीछे थ्रोट में जलन होना, सीवियर चेस्ट पेन। ये रेगुलर जब आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, तो आपकी फूड पाइप की जो लाइनिंग्स आपको एसिड झेलने के लिए नहीं बना है, सो ये फूड पाइप्स में बार बार जो एसिड की जो वो होती है, एक्सपोजर्स होती है, उसकी वजह से फूड पाइप्स के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, और जिसके कारण आपको मिडलाइन चेस्ट में कहीं ना कहीं आपको सीवियर पेन होता है, और एक जलन का भाव होता है, जिसे हम स्टोव इन चेस्ट कहते हैं। ये जब सिम्टम्स काफी दिन तक रहता है, धीरे 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 आपको ये बैक साइड थ्रोट पेन और जलन, खट्टे डकार के साथ साथ ये रेगुलर रिफ्लक्सेस से आपको कॉन्स्टेंट एक होर्सनेस ऑफ वॉइस भी होना शुरू हो जाता है। कभी कभार आपकी वॉइस भी बदल जाती है और आपको पता नहीं रहता है। कभी कभार आपको क्रॉनिक कफ रहता है, और आप कफ के लिए चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को दिखाते रहते हैं, और कफ की मेडिसिन लेते हैं, पर वो फिर भी ठीक नहीं होता है।
So because of this, why? Because it is because of an acid reflux, you are having a chronic dry cough. और तो और कभी कभार आपको डेंटल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं आप पूरी रात भर जब रिफ्लक्सेस होते हैं तो सुबह उठ के आपको वो एसिड जो है डेंट दांतों में जाके उसको इन्फेक्शन करते हैं। और इसका जो सीवियर फॉर्म है, वो सीवियर फॉर्म क्या होता है कि हमारी फूड पाइप और सांस की नली जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह शेयर करती है सेम कम्युनिकेशन, और वो एसिड का अगर थोड़ा भी मात्रा अगर हमारे सांसों की नली में जाता है, जिसे हम ब्रोंकिया टाइप ब्रोंकियोल्स कहते हैं, तो उनको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। और तो और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है रेगुलर एसिड रिफ्लक्स होने के वजह से, आपकी फूड पाइप में नैरोइंग हो सकता है, जैसे कि कोई चीज जल जाता हो और जलने के बाद जो सिकुड़ जाता हो, और उसे हम कहते हैं इसोफेजाइटिस और इसोफेजियल स्ट्रक्चर। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसकी एंड रिजल्ट एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस की ओर लेके जाता है, जिसे हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस क्या चीज होता है, जिसमें कि जो फूड पाइप की जो लाइनिंग है धीरे धीरे, जो कि एसिड झेलने के लिए नहीं बना है, वो फूड पाइप की लाइनिंग धीरे धीरे एसिड के कारण उसकी लाइनिंग चेंज होना शुरू हो जाती है, और उसमें आगे जाके अगर फिर भी हम उसमें नहीं दिखाते डॉक्टरों को और उसका इलाज नहीं करते हैं, तो फिर उसकी लाइनिंग एक तरह से प्री कैंसरस स्टेज में चली जाती है, और इसीलिए बैरेट्स इसोफेगस जो है वो बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है रिकरेंट या क्रॉनिक रिफ्लक्सेस की। तो इतना आपको समझ में आ गया कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज क्या है, उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं और उनकी सीवियरिटी क्या होती है, क्यों आपको इसकी ट्रीटमेंट चाहिए, ये भी आपको समझ में आया। क्योंकि पेशेंट जो इस एसिड रिफ्लक्स से सफर कर रहे होते हैं वो बहुत लंबे समय से सफर कर रहे होते हैं, और 10 साल 15 साल इतनी अवधि में ऑलमोस्ट आपकी ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस प्रेसिडेंस बन जाती हैं, जिसके कारण आपको इमीडिएट थेरापेटिक और इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। बहुत ऐसे पेशेंट्स में, हालांकि कम मात्रा में देखा गया, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में देखा गया कि फूड पाइप की कैंसर्स भी हुई है, बैरेट्स इसोफेगस से कैंसर्स हुई है बिकॉज ऑफ योर सीवियर रिफ्लक्स। सो समथिंग विच यू शुड नो कि आपको इसे प्रिवेंशन करना है और इसकी सही इलाज करना है, और अगर आप कहीं उस स्टेज में चले गए तो उसकी सर्जरी भी करनी है। सो हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे कि इनका इलाज कैसे होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका कारण क्या है, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, ताकि आपको पता रहे और आप उस फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सके। एसिड रिफ्लक्स के स्टडीज में ये देखा गया है कि कुछ कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं एसिड रिफ्लक्स के साथ। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके खान पान। ना आपके खान पान में स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो रेगुलर नॉन वेज खाते हैं और काफी मात्रा में खाते हैं, उनको ये एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। सिमिलरली जैसे आपका, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइड फ्राइड फूड्स खाते हैं और डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो आपको ये रिफ्लक्सेस होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ओवर स्पाइस एंड ऑयली की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है, ज्यादा मिक्स होता है, और ये सब आपकी स्फिंक्टर्स को थोड़ा रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये ऊपर एसिड ऊपर आने की ओर होता है। साथ ही साथ एक वेट रिलेटेड भी है, अगर आपका उम्र आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो भी, हालांकि बहुत डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं है, लेकिन ये रिलेट करता है आपको एसिड रिफ्लक्स से। एक और एक फैक्टर्स भी, अगर आपकी उम्र धीरे धीरे, क्योंकि ये देखा गया कि एसिड रिफ्लक्स से जब आप सफर कर रहे होते हैं तो ये काफी लॉन्ग स्टेज तक पेशेंट्स इनका इलाज नहीं करते हैं, तो एज रिलेटेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ज्यादा एज हो और आपको रिफ्लक्सेस काफी सालों से हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन, इसके जो सारी कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस किए वो आपको हो सकते हैं। सो आपने जान लिया कि अब एसिड रिफ्लक्स क्या चीज है, क्यों होता है और इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स पे। नो एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रीट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स। जब भी ये सारे वजह से आपको कहीं ना कहीं मेजर मील्स के बाद, मोस्टली रात में ये देखा गया है कि नाइट के मील्स के बाद, डिनर मील्स में अगर आपको रिफ्लक्सेस ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कि एक टिपिकल रिफ्लक्सेस का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मसलन आपने डिनर किया रात के 9 बजे और आप सोने गए 10-11 बजे और आपको बीच रात में या फिर 12 बजे के आसपास आपको सीवियर रिफ्लक्सेस होंगे, चेस्ट पेन होगा, आप उठ के बैठ जाएंगे और आपको जलन होगी। नाउ दिस इज अ टिपिकल हिस्ट्री ऑफ एन एसिड रिफ्लक्स।
और ऐसे पेशेंट्स को प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा फैक्टर जो मैंने आपको बताया है, वो उसको लाइफस्टाइल पहले चेंज करना पड़ता है। आपकी जो रेगुलर फूड हैबिट्स है वो रेगुलर टाइमिंग्स पे होनी चाहिए। आपने गैस्ट्राइटिस को या एसिडिटी को बढ़ावा नहीं देना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण इसका ये होता है कि आपकी अगर टाइमिंग्स ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट अगर आप सुबह उठते हैं 6-7 बजे और आप दिन के 12 बजे लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड, बिकॉज 6 to 8 hours ऑफ फास्टिंग के बाद आपकी जो ऑटोनोमस बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती हैं वो होंगी, और अगर उसमें फूड या कोई अर्ली मॉर्निंग कोई कुछ फूड नहीं दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा एसिड जो है वो आपको अंदर ही गैस्ट्राइटिस करेगी। और गैस्ट्राइटिस इवन दो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स को कोरिलेट करता है। सो आपको गैस्ट्राइटिस होने के सारे कारण को प्रिवेंट करना पड़ेगा। आपकी टाइमिंग्स बिल्कुल सही होनी पड़ेगी। यू शुड हैव बीन टेकिंग सम लंच डिनर्स एंड ब्रेकफास्ट इन एन ऑर्डर एंड फिक्स टाइमिंग्स एंड ऑल। मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर एक हफ्ते में 7 दिन है और 7 दिन में हम 2 मील्स ले रहे हैं मेजर 14 मील्स, तो एटलीस्ट यू कैन चीट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर डाइट्स एटलीस्ट 1 मील इन अ वीक, दैट इज 13 मील्स यू शुड टेक फ्रॉम होम कुक फूड। घर का बना खाएं और सही टाइम पे खाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहे हैं, वो सारे सिम्टम शुरुआत हो गए हैं, सबसे अच्छा प्रिवेंशन है आप अपने खान पान में बदलाव करें। नॉन वेजिटेरियन की अमाउंट थोड़ा कम करें, स्पाइसी ऑयली बिल्कुल कम करें, एक्स्ट्रा मसाला और एक्स्ट्रा फूड में ना दें। दूसरी बात यह है कि आपकी रात में जो आपको जो नींद आती है, अगर आपने रात में ठीक से नहीं सोया या लेट नाइट आपको जगने की आदत है, वो आपको चेंज करें। कभी कभार हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के हिसाब से जो नाइट ड्यूटीज करते हैं उनको ये इश्यूज होते हैं, बट ट्राई टू स्लीप एट अ गुड स्पेस ऑफ 6 to 7 hours इन अ नाइट, एंड अच्छी नींद से आपको रिफ्लक्सेस भी अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आपको रिफ्लक्सेस हो रहे हैं, मेक श्योर स्पेशली जब भी आप मेजर मील्स लें, स्पेशली लंच या डिनर, उसके तुरंत बाद कभी सोने ना जाएं, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो ऑब्वियसली आप रिफ्लक्स को आमंत्रण देते हैं। बॉडी की ऐसी एनाटॉमी हो जाती है लेटते वक्त कि स्टमक और फूड पाइप एक लाइन में ओरिएंट हो जाता है और बहुत आसानी से ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज हो जाता है, बहुत आसानी से वो एसिड जो है आपको ऑलरेडी अगर लैक्स सिम्टम्स हैं वो ऊपर आ जाता है। सो इसलिए खाने के तुरंत बाद ना लेटें, स्पेशली रात का जो खाना है डिनर है आपको बिल्कुल हल्का करना चाहिए, दैट शुड बी वेरी लाइट एंड दैट शुड नॉट बी अ स्पाइसी एंड ऑयली। और रात के खाने के लाइट होने के बाद आप खाने के 2 या 3 घंटे के बाद सोने जाए। जब आप सोने जाए मेक श्योर कि आपकी हेड के नीचे 2-3 तकिया रहे। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम से पेशेंट गुजर रहा है तो उनके लिए एडवाइस नहीं होगा, वो काइंडली डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स नहीं है, डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, तो आप 2-3 तकिया रख सकते हैं, 2 तकिया, ताकि आपकी हेड की अलाइनमेंट बॉडी से थोड़ी ऊपर हो, जिससे आप ग्रेविटी फैक्टर को पूरा निल नहीं कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली आप राइट साइड होके सोएं, बिकॉज लेफ्ट साइड में आपकी ऐसी ओरिएंटेशंस होती हैं जिसमें रिफ्लक्स के सिम्टम्स ज्यादा होता है। खाने के डिनर के बाद जब आप सोने जा रहे हैं, मेक श्योर कि ठीक सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिए, बिकॉज बहुत ज्यादा पानी पीने से फिर आपकी स्टमक की कैविटी को आप बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली रिफ्लक्स उन लोगों को होता है जिनका ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो गया है, और इसीलिए अगर आपका स्टमक बहुत फिल्ड रहे और उसी समय आप सोने जाए तो बहुत लाइकली है कि ये स्टमक से वापस रिफ्लक्स होता रहेगा। नाउ मैं बिफोर टेलिंग यू अबाउट द अदर मेडिकेशंस एंड द सर्जिकल पार्ट, एक चीज आपको बता दूं, देयर इज एन अदर एंटिटी कॉल्ड एज एन रीगर्जिटेशन। सो नाउ रीगर्जिटेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लक्स। और रीगर्जिटेशन क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया और वो खाना फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचा नहीं और उसके पहले ही आपको उल्टी हो गई, दैट इज अ रीगर्जिटेशन। That may happen because of some sort of food poisoning or some sort of an else things or some other esophageal issues, but that is a regurgitation. Refluxes वो होते हैं जो खाने के 2-3 घंटे बाद होते हैं, especially ज़्यादा बड़ा meals लेने के बाद होता है, और उसमें आपको खट्टे डकार या juice गले तक आता है, न कि खाना जो आपने खाया है वो product. So there is a clear cut differentiation between regurgitation and reflux. Now हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में। अगर आपको रिफ्लक्स बहुत सालों से सफर कर रहे हैं या फिर आपको नया भी हो रहा है और डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी आपको रिफ्लक्स प्रॉब्लम
तंग कर रहा है, यू शुड कंसल्ट आइदर अ गैस्ट्रो सर्जन और अ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। नाउ आपकी सिम्टम्स बहुत सिंपल होती है जिससे समझना बहुत आसान होता है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो सर्जन कैन इजीली डायग्नोज योर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। और इसको फाइनली और अच्छे से जानने के लिए कि आपको आइदर रिफ्लक्सेस हैं कुछ और कारण से नहीं है, या फिर रिफ्लक्सेस हैं तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई है, ये जानने के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। और उस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसमें हम कैमरा अंदर डालते हैं फूड पाइप से स्टमक के अंदर, और ये देखते हैं कि ये एसिड का कहाँ कहाँ क्षति पहुंचा है, आपकी फूड पाइप्स में कितनी एसिड्स के कारण तकलीफ है या फिर स्टमक में कितनी तकलीफें हुई हैं। सो क्या क्या पॉइंट्स हम देखते हैं, एक स्टमक के अंदर हम अल्सर्स देखते हैं अगर है कि नहीं, दैट मीन्स यू आर अ पेशेंट हु वाज हैविंग अ ह्यूज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एन एसिड, आप गैस्ट्राइटिस से सफर कर रहे हैं। और दूसरी बात है यही अल्सर्स ईसोफेगस या जिसे आप फूड पाइप कहते हैं वहां अल्सर्स अगर है तो ये बहुत बड़ा दर्शाता है कि आपको ये एसिड रिफ्लक्स है। ईसोफेजियल इरोजन्स भी कहते हैं, जैसे वहां की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग एसिड की वजह से जल जाता है और जगह जगह स्पॉट्स हो जाते हैं अल्सर्स के। अगर आपको ईसोफेजियल स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें ईसोफेजियल नैरोइंग है और आपका ये दूरबीन या एंडोस्कोपी कैमरा आगे पहुंच नहीं पा रहा है, देन दैट इज अ बैड। कभी कभार एंडोस्कोपी में पेशेंट्स को बाइल दिख जाता है, बाइल पिथ होता है ग्रीन कलर का, और इसमें मैं आपको बताऊं कि बाइल रिफ्लक्स जो है वो एसिड रिफ्लक्स से भी सीवियर है। बाइल इज एन अल्कलाइन थिंग और एसिड इज एन एसिड, अल्कलाइन मीडिया ज्यादा हानि पहुंचाती है, और बाइल रिफ्लक्स का मतलब ये है न केवल स्टमक और फूड पाइप के बीच की कम्युनिकेशन लूज हो गई है बट ऑल्सो स्टमक और इंटेस्टाइन की भी कम्युनिकेशन लूज है, जिसकी वजह से लीवर से जो बाइल सिक्रीट होके इंटेस्टाइन में रिलीज होके आगे फॉरवर्ड मूव कर रही होती है वो बैकवर्ड पुश से स्टमक में आ रही है और स्टमक से आपको ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी पूरी एनाटॉमी बिगड़ चुकी है। और बाइल रिफ्लक्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है एसिड रिफ्लक्स से भी ज्यादा, और बाइल रिफ्लक्स का सबसे बड़ा प्रूफ है जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें बाइल दिखता है ईसोफेगस में। सो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है आपके एंडोस्कोपी से। अपर जीआई एंडोस्कोपी में एक भी हम टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं एच पाइलोरी टेस्ट। एच पाइलोरी एक प्रकार का इन्फेक्शन बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में पाया जाता है और ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एच पाइलोरी जिस पेशेंट्स को पाया जाता है उसमें गैस्ट्राइटिस काफी कॉमन है, और एच पाइलोरी के लिए मेडिसिन बनी है 2 हफ्ते के लिए जिससे कि एच पाइलोरी को 99% हम किल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट देयर इज अ लिटिल इनवर्स रिलेशनशिप, ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है उन पेशेंट्स में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स थोड़ा कम होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पेशेंट गैस्ट्राइटिस से ज्यादा सफर कर रहा होता है। पर जिन पेशेंट्स में एच पाइलोरी नेगेटिव पाया जाता है उनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की सिंड्रोम्स और या सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर पाई जाती है। तो ये हो गया हमारे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी को जब वापस हम निकालते हैं तब कैमरा को लूप करके हम हायटस, मतलब आपका जैसे चेस्ट कैविटी है जहां हमारे फेफड़े हैं और एक पेट की एब्डोमिनल कैविटी जहां स्टमक है, उन दोनों के बीच में एक सीलिंग की तरह एक फ्लोर है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, और डायफ्राम में होल्स होते हैं जहां से फूड पाइप आके स्टमक बनता है, इस होल को हम हायटस कहते हैं। और ये एंडोस्कोपी घुमा के हमें देखते हैं कि क्या हायटस हर्निया है कि नहीं। अब हम जानेंगे व्हाट इज हायटस हर्निया। नाउ रिफ्लक्स डिजीज जो मैंने आपको बताया एसिड रिफ्लक्स, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर लूज स्फिंक्टर्स, कहीं ना कहीं वो हायटस की जो मसल्स हैं वो लूज हो गई हैं और ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी जो है उसको नहीं कर संभाल पा रहा है और रिफ्लक्स हो रहा है। कोई कोई पेशेंट को इन लूजनेस के साथ साथ एक बड़ा हायटस हर्निया हो जाता है उस जगह पे, उसकी जो होल है जो जहाँ से नॉर्मल फूड पाइप पास हो रही है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसको हम हायटस हर्निया कहते हैं। नॉर्मली हर्निया ऑब्वियसली पेशेंट्स को लगता है हर्निया मतलब बाहर से कोई स्वेलिंग दिखेगी, वो इंटरनल हर्निया होती है, और हायटस हर्निया को जांचने के लिए हमेशा एक एंडोस्कोपी ही मददगार होती है और एंडोस्कोपी से ही हमें पता चलता है। अगर आपको हायटस हर्निया है और उसके साथ साथ लैक्स हायटस भी है, लूजनेस भी है, ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन भी आराम नहीं दे सकता। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट थोड़ी देर बाद।
हम जान ले एंडोस्कोपी के साथ साथ और क्या हम ट्रीटमेंट और क्या हम जांच करते हैं। नाउ एंडोस्कोपी में अगर हमें रिफ्लक्स की सिम्टम्स के साथ साथ प्रूफ हो जाता है सो हम किसी प्रकार की ट्रीटमेंट से पहले हम दो और टेस्ट करते हैं। एक होता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, ताकि ये पीएच जो है, पीएच एक एसिडिक है कि अल्कलाइन है, ये पीएच मॉनिटर करते हैं। स्टमक के अंदर पीएच एसिडिक होता है और फूड पाइप के अंदर कंपैरेटिवली एसिडिक नहीं होता है। सो अगर स्टमक की पीएच जो है वो भी अगर फूड पाइप की पीएच से मैच कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एसिड फूड पाइप में आ रहा है। और एक दूसरी मॉनिटरी होती है जिसे हम कहते हैं मैनोमेट्री टेस्ट, जिसमें कि अंदर आपकी जो जो फूड पाइप से खाना नीचे जाता है, जो मस्क्यूलर काम कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हम देखते हैं कि कहीं मसल्स की कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद आपको आता है ट्रीटमेंट पार्ट। प्रिवेंटिव पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले आपको मेडिसिन दी के ट्रीट किया जाता है। कभी कभार पेशेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आते हैं, बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, या बहुत सालों से सफर कर रहे होते हैं अनकेयर्ड फॉर, उनको हमें सर्जरी के लिए बोलना पड़ता है। मेडिसिंस में ट्रीटमेंट में हम कुछ ऐसे मेडिसिंस देते हैं जिससे कि आपकी एसिड प्रोडक्शन थोड़ा कम होती है, एंटासिड्स देते हैं जिससे कि आपको एसिड के कारण जो जलन हुई हुई है उसको उसको हील हो सके, वो घाव अल्सर्स जो है वो हील हो सके, और साथ ही साथ आपकी प्रोमोटिलिटी मेडिसिंस देते हैं ताकि वो चीज़ ऊपर होके ना आए, नीचे जाए। और मेडिसिन के साथ साथ ये बहुत जरूरी है बोलना कि आपको डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में करने पड़ेंगे। वो सारा स्टेप मैंने जो आपको बताया वो करने पड़ेंगे, अदरवाइज मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है। और नाउ हम फाइनली आते हैं सर्जिकल एस्पेक्ट्स में। उन पेशेंट्स में जिनको ये काफी दिनों से सफरिंग्स हैं, 10-15 सालों से, जिन्होंने कभी पहले ट्रीटमेंट नहीं किया, उन पेशेंट्स में जिनमें एंडोस्कोपी में वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं एसिड रिफ्लक्स के कारण, या उन पेशेंट्स में जिनको मेडिसिन ट्रीटमेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहा है, या आपकी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, आप मेडिसिन लेते हो आप आराम रहते हैं, जैसे मेडिसिन छोड़ देते हैं फिर उसको आपको फिर रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, या फिर मेडिसिन से इंड्यूस्ड आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, ओवर एंटासिड्स लेते लेते आपको ऐसी हो गई कि एसिड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है और आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा जो क्राइटेरिया ये एक डॉक्टर डिसाइड करता है, और इन सारे क्राइटेरियाज में हम फिर सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। ये जान के बहुत आश्चर्य होगा आप लोगों को कि ये सर्जरी जो है बहुत ही अच्छी एक सर्जरी है इसके लिए, और अगर हम सर्जरी करके सीवियर रिफ्लक्सेस को सारे पेशेंट्स में किया जाए तो कहीं ना कहीं रिफ्लक्सेस पेशेंट्स को फिर कभी एंटासिड्स या वो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन हम सर्जरी फिर भी ऐसे पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके मेडिसिन से ठीक हो जाए। नाउ ये सर्जरी क्या है, आजकल के दिनों में दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक आने से हम ये मिनिमल इन्वेजन बहुत कम चीरफाड़ वाली सर्जरी करते हैं जिसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, और सिर्फ शरीर में 5 या 6 होल्स होते हैं, आधे आधे सेंटीमीटर के 5 होल्स होते हैं जिससे हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके उस एरिया की जो लूजनेस है उसको हम टाइट करते हैं, और साथ ही साथ स्टमक का एक कॉलर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं निसेंस फंडोप्लिकेशंस। और इस सर्जरी से आपको इतना आराम आता है कि आपको इतने सालों से जो ये एसिड रिफ्लक्स और एक जो टेरर बना हुआ रहता है वो आपको चला जाता है, देन यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सो दिस इज अ सर्जिकल बेनिफिट सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये सर्जरी करने में हमें 1 या 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे चाहिए होता है। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को 10 दिन या 12 दिन सर्जरी करने के बाद लिक्विड डाइट पे रखता हूँ और उसके बाद वो पेशेंट अपना नॉर्मल डाइट पे आ जाता है। तो ये सारा आपको एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानकारी हमने दी, और आशा करते हैं कि आपको अपने इस प्रॉब्लम्स को जानने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स है और सफर कर रहे हैं, आपके परिवार या मित्र में से कोई है, kindly refer them to a gastroenterologist or a gastrosurgeon, because earlier the treatment better is the cure, otherwise this can also end up having a cancers of the esophagus or the food pipe, jo ki bahut dangerous hai. Hamare sath jude rehne ke liye bahut bahut dhanyawad, aur main aasha karta hu kabhi bhi koi bhi aapko is related problems hai, main hamesha aur hamari Apollo team hamesha available hai. Once again I'm Dr. Sandeep Banerjee, surgeon, मिनिमल इनवेसिव लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन अपोलो स्पेक्ट्रा नेहरू एनक्लेव। आप सबको वेलकम करता हूँ। थैंक यू।